नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना में शामिल आरोपियों पर कार्यवाही के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, उनके मकानों और संपत्तियों को निस्तनाबूद कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का कार्य किया जाए, ताकि यह उदाहरण बने और फिर इस तरह की घटना करने की हिम्मत कोई ना कर सके। आपको बता दें, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KP वेंकटेश्वर राव एवं DIG मिथिलेश शुक्ला ने सोमवार को घटना स्थल देखा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीड़िता से भी मुलाकात की थी और हौसला बढ़ाया था कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। शासन की ओर से मिलने वाली सहायता की उसे जानकारी दी गई थी। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KP वेंकटेश्वर राव ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर गैंग रेप में सभी 6 आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई है और अगर इस तरह की घटना फिर कोई करता है तो उन आरोपियों के ऊपर भी इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। जैसा आप सबको जानते हैं, ये नईगढ़ी में जो 16 तारीख को जो घटना हुई, रीवा नाबालिग बच्चे के साथ जो बलात्कार हुआ था, उसमें FIR होने के 24 घंटे के अंदर हमने पहला 3 आरोपी पकड़े थे, उसके बाद 2 आरोपी जो है बम्बई से पकड़ लिए थे, फिर 1 आरोपी जो है UP के बॉर्डर से हमने पकड़ लिया था। इसके बावजूद जो है इनके जितने भी इनके प्रॉपर्टी है उसमें जो है हमने बुलडोजर चलाया था और इसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी निर्देश का पालन था कि इसमें सख्ती से कार्रवाई कर, तो इसमें हम लोग आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे और जो भी इस तरह की क्राइम करेगा उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सभी आरोपी सर पकड़ेंगे? सभी आरोपी पकड़ेंगे, 6 के 6।